सोनपुर नाम का एक बड़ा सा गांव हुआ करता था जहां अधिकतर खेती बाड़ी करने वाले किसान रहा करते थे वहीं गांव के पास ही घने जंगलों के बीच पीपल के पेड़ में एक भूत रहा करता था भूत दिन भर तो गायब रहता लेकिन रात होते ही वह गांव वालों को खूब परेशान किया करता था रात होते ही भूत पूरे गांव के चक्कर काटने लगता और कभी किसी के पशुओं को नुकसान पहुंचाता तो किसी किसान को इतना डराता कि वो रात भर सो नहीं पाता भूत के डर से शाम होते ही गांव में सन्नाटा फैल जाता और रात को कोई भी घर से बाहर नहीं निकला करता था एक बार भूत से परेशान गांव के लोगों ने एक बहुत बड़े साधु को गांव में बुलाया और उनसे अपनी समस्या का निदान करने के लिए गुजारिश की गांव वाले साधु को उस पेड़ के पास ले जाते हैं जहां भूत का वास होता है साधु अपने जप और तप से भूत को काबू करने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वह उसके हाथ नहीं आता अंत में साधु भूत पर काबू पाने की युक्ति निकाल लेता है और सब गाँव वालों से कहता है कि ये भूत केवल रात के अंधेरे में निकलता है जिसका अर्थ है कि इसे दिन की रोशनी से डर लगता है और रोशनी के सहारे ही भूत से छुटकारा पाया जा सकता है साधु की बात सुनकर सभी गांव वाले मिलकर एक योजना बनाते हैं रात को जब भूत पेड़ से निकलकर गांव में प्रवेश करता है तो किसान हाथों में मशाल लिए चारों ओर उजाला कर देते हैं रोशनी को देखकर भूत डर जाता है और वापस पेड़ की ओर भाग जाता है वही गाँव वाले भी उसके पीछे पीछे पेड़ के पास पहुंच जाते हैं रोशनी में साधु भूत को पेड़ से बांध देता है और फिर गांव वाले भूत को उस पेड़ के साथ ही जला देते हैं इस तरह से गाँव वालों को भूत की समस्या से निजात मिल जाता है कहानी से सीख समस्या चाहे कैसी भी हो अगर बुद्धि का प्रयोग किया जाए तो उससे निजात पाया जा सकता है